सर आपके वादे पे अभी तक खड़े हैं, कैसे हैं सर आप, खैरियत से हैं? वादा ही क्या जो वफा हो गया। अच्छा हमजा साहब, मुझे आपसे ये जानना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आपका क्या तबसरा है आज? सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है और मैं समझता हूँ कि अभी मैं इससे तबसरे कासिर हूँ कि मैं डिटेल नहीं पढ़ सका जजमेंट, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमने अदालतों का फैसला सामना पहले भी किया है, करेंगे और लीगल बैटल लड़ेंगे और अल्लाह ताला ने चाहा ना सिर्फ कानूनी जंग में सुरखरू होंगे बल्कि अल्लाह के फजल से आवाम की नज़रों में सुरखरू होंगे। हम सब, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप उस जिम्मेदारी को बड़े अच्छे लेवल से बड़े आसान तरीके से निभाते नज़र नहीं आते। असम्बली पे बहुत अच्छा बोलते हैं, टॉक शोज में भी जीनत बन जाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे जिस तरह जो रमक चाहिए नून लीग को, क्योंकि आपकी क़यादत जेल में, तो उस सारे सिलसिले को आप किस तरह देखते हैं? और मरियम बीबी, आप मिलके बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी कंपेन्स भी कर सकते थे, बड़े अच्छे तरीके से चल भी सकते थे, लेकिन टॉक शोज़ अगर माइनस कर दिए जाएँ तो नून लीग जो है वो सिर्फ टॉक शोज़ की जीनत बन के अपना मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचा रही है, इस पर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? जो आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं वो मैं अपने टाइम पे करूंगा। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद फर्ज करें वाली साहब के बारे में कुछ चीज़ आ जाती है सामने, तो आप तो शेल्टर ही करेंगे, तो कैसे वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा सर? वो बड़े मियां साहब उधर बैठ के तायाबा के मामला को बेहतर करेंगे, अगर खुदा ना खासा उसमें एनगैन है और आपके पास अगर आते हैं तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी आपको तो इखलाकी जोड़ देनी चाहिए जब कि वाले साहब की हुकूमत रही है। नहीं नहीं, ये तो रवायत है भाई, ये 10 साल रवायत पार्लिमानी रवायात हैं कि जो अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जाती है, और आज मैंने ऐवान में कहा है कि पार्लिमानी रवायात को मजबूत होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर जो रूल्स में अमेंडमेंट हुई है मुतफिका तौर पर उनको पास किया है, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जमहूरी रवायात को हमने मजबूत करना है। मुझे कोई शौक नहीं है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनने का, शहबाज शरीफ साहब को कोई शौक नहीं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनने का, जॉइंट अपोजिशन जमातों का ये फैसला था कि जो पार्लिमानी रवायात हैं उनको मजबूत होना चाहिए, तभी आपका कैमरा भी काम करेगा और हमारी सियासत भी काम करेगा। और नैब आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया था, 10 दिन हाईकोर्ट बताया गया था कि 10 दिन हाईकोर्ट पहले आपको बताएं, लेकिन वो आपके उस फैसले के खिलाफ नैब सुप्रीम कोर्ट चला गया, अगर नैब को वहाँ से रिलीफ मिलता है तो आपका अरेस्ट वो जो फिर नविश्ता दीवार होगा, तो आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं गिरफ्तार होने के लिए? मैं तो 10 साल मुशर्रफ दौर में गिरफ्तार रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हसन मुर्तज़ा साहब जी हमारे साथ मौजूद है। हसन साहब, मुझे ये बताइए कि हुकूमत तो कहती है कि मैं डिलीवर करूँगी बच्चोंगी, और आपकी आप देख रहे हैं कि नून लीग की क़यादत तो जेल में, और इन सारे मामलों में नून लीग टॉक शोज़ में बैठ के डिफेंड करती है, लेकिन कोई ऐसा वो स्ट्रीट पावर टाइप चीज़ या कोई ऐसे जलसे जुलूस या बड़े पैमाने पे कोई ऐसी तहरीक चलाने में नाकाम रही है जिससे पता चले कि उनकी पार्टी मुश्किलात में है या उनके क़यादत सौबतें झील रही है, और आपकी तरफ भी अब मामला तो अब नैब को चले गए तो उनको इन्वेस्टिगेट होना री इन्वेस्टिगेट होना बाकी है, क्या होने जा रहा है? हुकूमत और अपोजिशन दोनों के चीज़ें जो प्रोमिनेंट उन्हें करती हैं वो रवैये हैं, तो क्या ऐसे रवैये हैं जिनसे अपोजिशन मुमताज़ हो जाएँ, हुकूमत तो चले डिलीवर करेगी तो बचेगी? देखिए जी, ये जो कुछ हो रहा है मैं तो इसे समझता हूँ कि ये इस मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आप देखें कि अपोजिशन जो होती हैं वो हमेशा अग्रेसिव होती हैं, यहाँ अपोजिशन जो है वो कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट चले, ये अपने वजन से गिर पड़े तो गिर पड़े, अपोजिशन इन्हें गिराना नहीं चाहती, हालांकि इनके पास कोई अददी अक्सरियत नहीं है हाउसेज में, कहीं वजन से ना गिर सके, मिसकैलकुलेट हो गया तो क्या करेंगे? सर मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, हमें तो खुदा न खास्ता हम कहीं कोलैप्स की तरफ तो नहीं जा रहे, हमारी इकोनॉमी का आप हाल देख लें, हमारे आप ये तो लाहौर है ना, यहाँ आपको अभी तक चमक दमक नज़र आ रही है, आप जाएं गाँव में, आप जाके रूरल जो लाइफस्टाइल है उसको देखें, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, मिलों वाले लूट रहे हैं, वहाँ पे आलू का काश्तकार जो है वो मर रहा है, किसी को पेमेंट शेड्यूल के मुताबिक नहीं हो रही, वजन की कटौतियाँ जो है तो आज 50 रुपये धड़ी लाहौर में फरोख्त हुआ है। सर ये आप देखें ना, हमें एक बैग जो है वो 1500 रुपये का कास्ट करता है और हमारे से 300 रुपये का बैग लिया जा रहा है, काश्तकार तो मर रहा है, गन्ने का आप जाके देखें 1 महीने से पेमेंट नहीं हो रही, 15 दिन के बाद शेड्यूल पेमेंट होनी होती है, महीना महीना हो गया मिलने चले आज तक पेमेंट नहीं हो सकी, ये सारी चीज़ें जो है हमारी इकॉनमी एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, अगर हम एग्रीकल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे, वज़ीर आज़म खड़ा होकर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी दे रहा होता है मुर्गियाँ रख लो, अंडे बेच लो, कट्टे रख लो, ये इन चीज़ों से मुल्क नहीं चलते। दवाइयों की कीमतें आप देख लें 15% बढ़ा दी हैं, आप जाके बलूचिस्तान में हालात देखें, वहाँ
90% लोग जो है वो नकल मकानी करके चले गए हैं, उनके पास खाने की रोटी नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, जानवर उनके मर रहे हैं, कैद साली है, ठंड पड़ रही है, ये सारी चीज़ें एड्रेस ही नहीं कर रहे। वो आते हैं, चौहान साहब आ गए, उन्होंने गाली के चोर चोर चोर, डाकू डाकू डाकू, क्वेश्चन आर सारा गुजर गया है। उसमें हर वजीर यही जवाब दे रहा था जी कि पिछले 10 सालों में कुछ नहीं हुआ, हम क्या करें, हमारी तो जी जिम्मेदारी ही नहीं है। ओ बाबा, आप गवर्नमेंट हो, पिछली लाइबिलिटीज़ आपने पूरी करनी है, वो आपके कंधों पर हैं। तो इसलिए अच्छा, आपने एक चीज़ गौर की कि चौहान साहब अगर सख्त रवैया रखते हैं तो जब अपोजिशन और ख़ास तौर पर नून लीग उनके बारे में बात करती है तो वो भी सख्ती से बात करती है। सलीका सलीका शारी और अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव सियासत से वैसे मतरूक हो गया सर, तो ये कितना डेंजरस है सियासतदान के लिए? सर, अपोजिशन हमेशा हार्श वर्ड्स इस्तेमाल करती है, उनका अग्रेसिव रवैया होता है, या उलट है, या अपोजिशन जो है वो हाउस को चलाना चाहती है। अगर अपोजिशन ना चाहे तो ये हाउस एक दिन नहीं चल सकता, रोज़ यहाँ पे कोरम टूट रहा होता है। लेकिन अपोजिशन चाहती है कि हाउस चले। आपको पता है अपोजिशन कितनी मजबूत है, इस बात का हुकूमत को क्यों नहीं पता सर कि अपोजिशन बहुत मजबूत है? आप देखें, अपोजिशन हुकूमत को नहीं पता, अपोजिशन जो है हमें पता है ना जी, जमहूरियत की बाली के लिए क्या कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं 18 साल का था जब मैं पहली दफ़ा जेल गया हूँ, एतजाज़ हसन 1 साल का था जब माँ के साथ जेल में गया है, बिलावल भुट्टो की माँ जो है सड़क के बीच में कत्ल हो गई, बेनज़ीर का वालिद जो है उसको अदालती कत्ल कर दिया गया, हमारे 300-300 कारकुन जो हैं वो एक एक धमाके में ब्लास्ट में शहीद होते रहे। हमें पता है बालिया जमहूरियत के लिए कुर्बानियां क्या देनी होती हैं, पीटीआई को क्या पता? ये तो नाच गाने की जमात है, बाहर आए सड़क पे गाना गाया, डांस किया, लॉलीपॉप लिया, घर चले गए। आज डिलीवर करने का टाइम है, आज मैं पूछता हूँ ना उनसे, कल एक ये ला रहे हैं बीबी के खिलाफ करारदाद बिसप के खिलाफ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ, मैं देखूंगा ना कैसे किस मुंह से ये पेश करते हैं। यार किस किस चीज़ से आप भुट्टो का नाम मिटाओगे? आइन से मिटा दोगे भुट्टो का नाम? आप एटम बॉम्ब से मिटा दोगे? आप मिसाइल टेक्नोलॉजी से मिटा दोगे? आप स्टील मिल से मिटा दोगे? आप टेक्सला मैकेनिकल हैवी इंडस्ट्री से मिटा दोगे? कहाँ से मिटाओगे? आइन से मिटाओगे? कादियानियों को काफर देने वाला इतना बड़ा काम था, उससे मिटा दोगे? कहाँ कहाँ से भुट्टो को निकालोगे? इस मुल्क से अगर आप भुट्टो को निकाल दोगे तो इस मुल्क की सलामती नहीं है। आप लोग तो बड़े अफसरदा हो जाते होंगे कि इतना नजरियाती टनेवर गुजारने के बाद भुट्टो साहब के जो दामाद हैं उन पर करप्शन चार्जेस, करप्शन चार्जेस उन पर कुछ साबित हुए हैं? ये चार्जेस तो भुट्टो साहब पे भी थे। मैं आज एक सवाल करता हूँ, आप करप्शन चार्ज नहीं था, आप भुट्टो सर आप पूरी जोर लगा के भी करप्शन का चार्ज उन पे नहीं ढूंढ सके? फैमिली को छोड़े, मुझे बताएं कि इस मुल्क की उन नदीदा कुवतों ने क्या हशर किया था फातिमा जिना के साथ, और कितने दिन हुए थे कायदे आजम को मरे हुए, क्या किया था इन्होंने फातिमा जिना के साथ, उसका इन्होंने इलेक्शन नहीं छीना तो था? फिर भी जरदारी साहब का ही जवाब देना है ना? नहीं, मैं वो तारीख का एक सवाल है, बहुत बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया, लेकिन आपने जवाब तो जरदारी साहब का ही देना है। सर, मैं इस धरती का बेटा हूँ, मैंने इस धरती पे होने वाले हर जुल्म का जवाब देना है। मेरी कौम, मुझसे मेरी पैदा होने से पहले की भी जो जिम्मेदारियाँ वो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि ये आदमी मरने के बाद उसकी औलाद के हाथ में ये अलामत है। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान के लिए, हमने कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान के लिए, कैसे ये आप कह सकते हैं कि जरदार साहब पे करप्शन, करप्शन का इल्ज़ाम मैं खुदा न खास्ता आप पे लगा दूं तो फिर आप गुनहगार हो गए। बल्कि यहाँ तो होना चाहिए जिन्होंने जरदारी साहब से 11 साल बेगुनाह जेल कटवाई है, उनको जेल के अंदर होना चाहिए कि आपने एक आदमी से 11 साल उसकी जिंदगी के कीमती तरीन 11 साल जेल में ही है लेकिन किसी और चार्जेस पे सुन लें। और बिलावल भुट्टो को अपने बाप की जो एहसास महरूमी था कि मेरा बाप जो जेल में है, जो तवज्जो बिलावल को चाहिए थी नहीं मिली, जो आसफा को चाहिए थी नहीं मिली, जो बख्तावर को चाहिए थी नहीं मिली, जो बीबी का उसमें क्या वो सारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है? इल्ज़ाम जब साबित होगा तो हम सजाएं भी भुगतेंगे, लेकिन हम तो पहले ही उससे ज्यादा की सजाएं भुगत चुके हैं, कौन सा हमारा एहतसाब बकाया रह गया है? बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हुकूमत की कारकर्दगी पे अपोजिशन बहुत वावेला करती है, अभी ये बात आपकी ठीक है कि टाइम बड़ा कम गुजरा है और समत भी उसका तयन भी हो चुका होगा, क्या देखते हैं आने वाले दिनों में? अपोजिशन और हुकूमत के मामला तो बड़े अच्छे चल रहे हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी आप दे रहे हैं, ऊपर भी विफाक में भी दे बैठे हैं, तो किस तरीके से मामला को बेहतर और किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि इस पे तो बड़ी खुशी की बात है अगर अपोजिशन और हुकूमत जो है वो बामी अंडरस्टैंडिंग के साथ मामलात हुकूमत के और असेंबली के अफेयर्स चला रहे हैं,
तो इसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। नहीं, जो आपका नैरेटिव था कि चोर डाकू लुटेरे और पब्लिक अकाउंट कमेटियां भी आप उन्हें देंगे, अब हमजा साहब ऑडिट पैराज में अपने वालिद की फर्ज करें को करप्शन होती है तो वो शेल्टर ही करेंगे और क्या करेंगे? इसमें जो भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं उसमें बामी तामन के साथ अगर शेल्टर करेंगे तो वो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो शेल्टर कर रहे हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी चोरी साहब आप देख रहे हैं मियां साहब? जी मैं देख रहा हूँ, जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, जो रवायात हैं असम्बली का बिजनेस चलाने के लिए, अपोजिशन और हुकूमत मिलकर अगर कोई नतीजा निकालते हैं तो उसको सबको मानना चाहिए। मियां साहब आपका नैरेटिव ये था कि नहीं ये नहीं चलेगा, उस नैरेटिव इसी नैरेटिव पे आप आए थे? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सब अंदर जा रहे हैं। बड़े मियां साहब ऊपर, नहीं बड़े मियां साहब ऊपर ऊपर बैठाया, इधर नीचे हमजा साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या फर्क पड़ता है? गवर्नमेंट को दब गई किसी से? जो उनके केसेस हैं हमने खत्म कर दिए, बड़े मियां साहब ऊपर चले गए हैं तो उनके सारे केसेस तो नायब आप कहते चला रहे हैं, चला रहे नायब चला रही है ना, आप कहते हमारा इससे क्यों चलेगा? मजीद चलेंगे मजीद, अगर हमने तो अभी फेरिस्त बनाई है, हमारे केसेस तो अभी टेकअप ही नहीं होना शुरू हुए। जहाँ जहाँ जो उनका होगा बनता होगा वहाँ वहाँ केस जाएंगे इंशाल्लाह। कब तक कोई टाइम? बहुत जल्दी, आप रोज देखें, अभी पहले केसों को तो भुगत लेने दे, उन्हें सांस आ लेने दे थोड़ा सा। पहले केस हुकूमत कहती मैंने तो बनाई नहीं, हुकूमत कहती मैंने बनाई नहीं। जी बड़े बन रहे हैं और पूरी एक फेरिस्त है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हुकूमत कहती है कि हम डिलीवर करेंगे तो बचेंगे, अपोजिशन भी यही कहती है, और अपोजिशन जो है वो उसकी क्यादत जेल में, और टॉक शोज के अलावा कोई पार्टी स्ट्रेटजी नहीं, कोई जो है ऐसी कंपेन नहीं कि जो पार्टी को पॉपुलर करे, उसके नैरेटिव को लोगों के दिलों में बसाए, चक्कर ही कोई नहीं, सिर्फ टॉक शोज। देखिए क्या कहेंगे इस पर, माने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि हुकूमत कहती है कि उसे डिलीवर करना चाहिए तो वो बड़ा सही बात है, हुकूमत को डिलीवर ही करना चाहिए बजाय इसके कि हुकूमत जो बक बक और बकवास पे अपनी तवज्जो रखे, और हुकूमती तर्जुमानों को भी अपना मुंह बंद रख के, जैसे हसन निसार साहब ने मशवरा दिया कि अब तो उनके वो दोस्त भी मशवरे में आ गए हैं कि जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। तो जहाँ तक अपोजिशन का तल्लुक है, जो हमारे साथ बीत रही है, जिन हालात में हम गुजर रहे हैं, और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि मियां नवाशी साहब ने जो कहा है कि जी हमें इस हुकूमत को इसके खिलाफ कुछ नहीं करना, ये अपनी मौत आप ही मरेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो जो पानी का बुलबुला होता है वो अपने आप फट जाया करता है, तो ये पानी का बुलबुला है। ख्वाजा साहब, नवाज शरीफ साहब को आखिरी सेकंड तक नहीं पता था कि 5-0 से घर जा रहे हैं, मिसकैलकुलेट हुआ, धरने मिसकैलकुलेट, पनामा मिसकैलकुलेट, मिसकैलकुलेशन की आपकी सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत को ये कहना कि आप अपनी मौत आप मर जाएंगे, ये भी मिसकैलकुलेट हो गया। देखिए 10 साल इमरान खान साहब रूल करते रहे। मैं इससे अग्री नहीं करता, मिसकैलकुलेशन नहीं हुई, जो हुआ वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो पूरी कौम को पता है। आज लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि आप किसी थड़े पे बैठे एक आम बंदे से भी पूछेंगे तो वो भी आपको बताएगा कि क्या हुआ। तो मकसद कहने का ये है कि सारी कौम को पता है क्या हुआ, तो मिसकैलकुलेशन नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। मियां नवाशी साहब माशाल्लाह समझदार आदमी है, और 30 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं इस मुल्क के मुंतखब, और दोबारा अब जो इस दफ़ा बने हैं तो सारी दुनिया कहती थी कि जनाब 12 अक्टूबर के बाद तो अब तो नवाज शरीफ का किस्सा खत्म हो गया, तो अल्लाह ताला ने फिर अल्लाह के फजल से उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया, और किस्सा खत्म और किस्सा शुरू उस जात से होता है और वही जात सब कुछ करती है। हमें अल्लाह की जात पे बड़ा तवक्कल है, और जहां तक आपकी ये बात है अपनी कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए, हम उस तरह से मैनेज नहीं हो सके अभी तक। उसकी वजह यह है कि एक तो हमारी लीडरशिप जो है वो पे दर पे उसको समझ लें कि फुल बॉक्सिंग के मुक्के जो है वो मारे जा रहे हैं, और अभी तक उनको एक चीज़ से संभलते हैं तो अगला स्टेप दे दिया जाता है, अगले स्टेप से समझते हैं तो फिर जो दरमियान में बेगम साहबा वाला एपिसोड हुआ है, बेगम कुलसूम वाला, मैं ये समझता हूँ कि हम हर चीज़ को रिपेयर कर सकते थे। वो एक ऐसा एपिसोड है कि जिसमें मियां नवाशी साहब की जो ज़हनी तौर पर कंडीशन है, जिस तरह से उन्होंने दुख लिया है, इवन अगर मैं मरियम बाजी की भी बात करूँ तो वो आज भी उस फेज़ में बुरी तरह जकड़े हुए हैं, उस फेस से नहीं निकल सके। और ख़ासकर मियां साहब जो जिस रात ये मामला हुआ और मियां साहब अडियाला जेल में थे और वो बार बार रिक्वेस्ट करते रहे जेल इंतज़ामिया से कि उनकी फ़ोन पे बात करा दी जाए लंदन, लेकिन जेल इंतज़ामिया उनकी बात नहीं करा पाई या नहीं करा सकी या नहीं कराना चाहती थी या नहीं हुई, इन शॉर्ट वर्ड के वो उस चंद घंटे की जो अजियत है उसको अपने जहन से आज तक नहीं निकाल सके। तो वो भी चूंकि एक इंसान है, इंसान की खुशी भी होती है गमी भी होती है, तो इंसान जब फेस से निकल आता है तो फिर वो तगड़ा हो जाता है, और मैं ये समझता हूँ कि अभी मियाँ साहब जो हैं वो इंशाल्लाह उस फेस से निकल रहे हैं, और कुछ देर हम देखेंगे फिर आपको इंशाल्लाह फुल स्विंग में नज़र आएंगे। हुकूमत की अब तक की जितनी भी कारकर्दगी है तर्जुमानी समेत, क्योंकि आपके दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वफाक से तर्जुमानी करते थे और लोग कहते थे कि इनको अपने लहजे दुरुस्त करने चाहिए, नाप तोल के बोलना चाहिए, गुफ्तार के काजी बनना चाहिए,
آپ کے دور میں بھی ایسے معاملات تھے, تو آپ اب حکومت سے مطمئن ہیں اور ترجمانی سے بھی مطمئن ہیں؟ آپ کے اس جواب سوال کے جواب میں مسکرا ہی سکتا ہوں, کیونکہ جو آپ نے لفظ حکومت کا وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی, اور جو ترجمانی ہے وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس کی کرتے ہیں. اچھا بھلا ساری دنیا جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے کیسز کے پیچھے لگی ہوئی تھی, وہ ڈبو صاحب جو ہے, سوری فواد چوہدری صاحب, ڈبو نکل جاتا ہے یار منہ سے, تو انہوں نے تمام توپوں کا رخ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف موڑ دیا, اور یہاں جو چول صاحب ہیں وہ کیا فیاض الحسن چوہان, تو ان کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک منٹ میں بات کرتے ہیں دوسرے منٹ میں معافی مانگ لیتے ہیں, کبھی نرگس کے خلاف بات کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں, کبھی میگا کے خلاف بات کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں. ابھی سنا ہے میرے, میں کچھ دن ملک سے باہر تھا تو میں نے سنا ہے کہ صحافی بھائیوں کی شان میں گستاخی کر کے معافی مانگی ہے, تو اگر معافی مانگی تو اچھی بات ہے, لیکن بولنے سے پہلے نا وہ کہتے ہیں جو آپ کا منہ ہے نا اس کو سوچ کے کھولا کریں. ترجمانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ جو ہے بھاں بھاں کرتے رہیں, اپنے منہ کو ذرا سوچ کے ہلایا کریں. اور وہ لوگ جن کی جماعتیں ایک نہیں رہیں, کبھی وہ کسی جماعت میں ہوتے ہیں ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی جماعت میں ہوتے ہیں ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں, اتنی جلدی دن رات نہیں بدلتا جتنی جلدی وہ لوگ بدلتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جن کا نہ کوئی دین ہے, نہ کوئی ایمان ہے, نہ سیاسی ماں باپ ایک ہے, سیاسی ماں باپ بھی ان کے کئی کئی ہیں, تو ایسے لوگوں کو جو عرف عام میں جو کہتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا. آخری سوال, آپ اتنی شدید ترجمانوں دونوں سے نفرت کرتے ہیں کہ ان کے آپ نے نک نیمز رکھے ہوئے ہیں؟ میں کسی سے نفرت نہیں کرتا, میں ان کی اس تکبر, ان کے اس لہجے اور ان کے اس ایٹیٹیوڈ کو ناپسند کرتا ہوں جو انہوں نے اپنا رکھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ صحیح معنوں میں الیکٹڈ ہوتے اور ان کو ووٹ کی اور ووٹر کی عزت اور طاقت کا پتہ ہوتا, تو یہ اپنے لہجوں میں غرور رکھنے کی بجائے, اپنے لہجے میں تکبر کی بجائے عاجزی رکھتے. تو میرا ابھی بھی ان کو مشورہ جو حسن نثار صاحب نے دیا ہے کہ اپنا منہ بند رکھیں, کیونکہ آپ کے منہ سے جب بھی بات نکلتی ہے اس سے غلاظت کی سمیل لی آتی ہے. بہت شکریہ.